मौला अली पाक ने अपने 18 बेटियां नु फरमाया अज बचे हो तहज्जुद की नमाज कूफे की जामिया मस्जिद में अदा करनी है। बच्चे कहंदे ने सोने अबा बाबा जान नौकर के ते नखरा के जरूर जावांगे। अगे अगे मौला अली ने पिछे पिछे आपके 18 बेटे ने हवेली से बाहर निकले। आपके घर में 8 बतखें थी, 8 बतखें थी, आपके घर में 8 डक्स थी, बतखें थी। आपने उन्हें देखा वो अपनी चूचें भी अपनी चोंच जमीन पे मारती हैं और पर भी जमीन पे मारती हैं, पंजे भी जमीन पे मारती हैं। मौला हसन करीब आके कहते हैं बाबा आप कायनात का इलम जानते हैं, बतखा एक हम पहले कदे नहीं कीता, आज क्यों पईयां करनियां। मौला अली दा इलम सुनो यार मजा आएगा। आपने फरमाया बतखा अफसोस पईयां करनियां उन्हां नी हवेली ना मालक दुनिया तू जा रहे है, ए अफसोस ना इजहार पियां करनियां, ए दुख ना इजहार पियां करनियां, उन्होंने कर ना साई दुनिया तू जा रहे है। मौला हसन भी साथ हैं, मस्जिद कूफा में पहुंचे, सारे बच्चियां नाल मौला अली ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। अजान का टाइम आया, मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ, अजान का टाइम आया, आपके लब खुले, जुबान हिली, फरमाया हसन जी बाबा, फरमाया मेरा दिल करदा आज सवेरे दी अजान तू सुना। हाय हाय हा ग्रामी कदर अहबाब, हसन हसन मेरा दिल करदा आज फजर दी अजान तू सुना। यही जुमला करबला दे मैदान विच मेरे हुसैन ने भी बोलिया सी। हाय हाय आशूरे वाला दिन ने 10 मुहर्रम में इमाम अली मुकाम ने अपने बेटे अली अकबर नू आके असी मेरे आ बेटे आ दिल करदा है अज फजर दी अजान मैनू सुनाओ। इधर अली पे कहंदे ने हसन नू मेरे आ बच्चिया फजर दी अजान सुनाओ, उधर हुसैन अली अकबर नू पे कहंदे ने फजर दी अजान सुनाओ। मैं जदों ये जुमले पढ़े मैं हैरान होया वजह किवे, वजह मैनू कोई ना मिली, मैनू इक्को ही वजह मिली कि हसन हसन सर तू लैके ते सीने दे बालां तक मेरे नबी दा हम शकल, ते अली अकबर पूरे दा पूरा मेरे मुस्तफा दे हम शकल। इधर कहण वाले अली पाक ने, उधर कहण वाले हुसैन पाक ने, इमाम हसन ने उंगलियां कन्ना च पाईयां, फजर दी अजान पढ़ी। अजान पढ़न वाला इमाम हसन होवे ते जिन्हां जिन्हां ने अजान सुनी ते सारिया ने सोचिया अज बेटा अजान पिया पढ़दा है ते यकीन अज नमाज मौला अली पढ़ाणगे। दूर दराज तू लोग खिचे खिचे मस्जिद कूफा दे अंदर आए ते इमाम हसन नू मौला अली ने अगली सफ दे अंदर बुलाया, मेरे बच्चिया इकामत कह। इमाम हसन ने इकामत आकी, मौला अली मुसल्ले इमामत ते आए, तकबीर पढ़ी, फातिहा पढ़ी, पहली रकत दे अंदर आपने सूरत रहमान दी तलावत फरमाई, दूसरी रकत दे अंदर मेरे पीर अली खड़े होए ते आपने फातिहा तो बाद सूरे मुल्क दी तलावत फरमाई। बड़े इत्मीनान नाल मौला अली ने रकू फरमाया, इत्मीनान नाल तस्मी फरमाई, इत्मीनान नाल पहला सजदा फरमाया, पहले सजदे जू ही उठे ते बैठे दुआ सजदा करन वास्ती जा रहे हैं ते सफ दे सज्जे पासू एक जालिम हाथ दे अंदर खंजर लैके बैठा होया है, उदे चेहरे ते दाग दे निशान ने ते दो धारी खंजर है ते जहर नाल पूजया होया है। उत्थू चलिया खंजर लैके ते उन्हें आके इमामे मौला अली पाक दे उत्ते वार कीता, पहला वार गर्दन ते कीता ते खंजर आर पार होया, दूआ वार आप दे पेट ते कीता ते पेट चू खंजर बाहर निकल गया। मौला अली मुसल्ला मुसल्ले ते आए ते खून जमीन ते गिरिया ते मौला अली ने अपना चेहरा आसमान वल उठाया, कायनात दी दौलत मेरे कोल होवे मैं इस जुमले ते वार दियां, पता नहीं तू बोलेगा या नहीं बोलेगा। मौला अली ने अपना चेहरा आसमान वल उठाया और रो के कहंदे ने मौला तेरी बड़ी मेहरबानी, जदू मैं दुनिया ते आया सा ते अपने घर का इंतखाब फरमाया ही, ते जदू जान लगा ते अपने घर का इंतखाब फरमाया। सेरा मुयसर न शुदी सादत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। इकबाल कहंदा है कायनात दे अंदर इक्को ही हस्ती है जिदी विलादत भी मस्जिद दे अंदर होई है, जिदी शहादत भी मस्जिद दे अंदर।
विलादत भी मस्जिद दे अंदर, शहादत भी मेरे पीर अली दी मस्जिद दे अंदर, ओए मेरा पीर ते शहीद भी मस्जिद दे अंदर, पैदा भी मस्जिद दे अंदर। अज मैनू ते तेनू मस्जिदां भुल गईयां ने, मैं क्रिकेट दी रनिंग वास्ती तैयार हाँ, बॉलिंग करन वास्ती तैयार हाँ, बैटिंग करन वास्ती तैयार हाँ, हाथ दे अंदर ग्लव्स पाड़ के बैठ पकड़ के शाटा मारन वास्ती तैयार आओ, लेकिन मस्जिद दे अंदर आके क्याम करन वास्ती तैयार नहीं आओ। ओ मैं क्यों ना रोवां, ए रमजान दा महीना अज तीन चार दिन बाकी रह गए ने, शवाल दा चन चढ़ेगा, ना नमाजी नजर आणगे मस्जिद दे अंदर ते ना कारी नजर आणगे। उलमा फरमांदे ने रमजान दा महीना ए माहे इम्तिहान है, ते शवाल दा महीना ए माहे नतीजा है। अगर रमजान दे महीने दा नमाजी बाकी साल भी नमाजा पढ़दा रहे ते समझो अल्लाह ने उदे रोजे भी कबूल फरमा लए ने, तरावीया भी कबूल फरमा। रमजान दा नमाजी अगर रोजियां तो बाद मस्जिद दे अंदर ना आवे ते ए समझे कि उन्हें टकराई मारियां ने। उलमा फरमांदे ने रमजान दा महीना माहे इम्तिहान ते शवाल दा महीना माहे नतीजा, पास ओही होवेगा जिदा नतीजा ठीक निकलेगा। अल्लाह अकबर। रमजान दा महीना आया, असा नमाजा पढ़ लिया, रमजान दा महीना चला जाएगा, ये मस्जिदा कायम रहनगिया, ये जनाब ताकां दे कुरान भी मेरी तेरी इंतजार करनगे। ओए कामयाब जो बंदा जड़ा अपने दिल नू मस्जिद दे नाल जोड़ देवे। सरकार फरमाते ने जिन्हों मस्जिद दे अंदर आ के तरियां पाने वेखो, अजान पढ़ने वेखो, नमाज पढ़ने वेखो, सफाई करने वेखो, अखां बंद करके उदे ईमान की गवाही दे दो, अगर कोई कमी बेशी रह गई ना, कयामत वाले दिन मैं जाना मेरा रब जाना। मस्जिद में आने वाले के ईमान की गवाही मेरे नबी ने फरमाई है। मेरे भाई मेरे ग्रामी कदर अहबाब, मैं पहले भी ये जुमला कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह जमीन वालों को आसमान पे रात को तारे चमकते नजर आते हैं, ऐसा ही आसमान वालों को जमीन पे मस्जिदें चमकती नजर आती। के नबी फरमाते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगदुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। कायनात में सबसे मबगूज जगह बाजार हैं, सबसे सोनी और प्यारी जगह अल्लाह की मस्जिदें हैं। निकाह किया करें तो मस्जिद से किया करें, दुआ आके मांगा करें तो मस्जिद में आके मांगा करें, नमाज पढ़ा करें तो मस्जिद में पढ़ा करें, दिल लगाया करें तो मस्जिद से लगाया करें। मैंने गुज़श्ता जुमे पे भी अर्ज किया था, मेरे आका फरमाते हैं कयामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा लोग अपने घरों को आबाद करेंगे, मस्जिदों को वीरान करेंगे। आज रमजान की बाबरकत घड़ियों में जुमतुल विदा के मौके पे मेरे साथ आमीन बोल लें। अल्लाह हमें अपने घर आबाद करने की तौफीक अता फरमा। बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। आठ बंदे दौड़े, वो जो जालिम था ना कातिल, आठ बंदे दौड़े उसको पकड़ने के लिए, उन्हें जाके जफ्फा मारिया, एक बंदे ने उत्ते कंबल सटिया, एक बंदे ने पटकार कढ़िया, सुनियो जुमला खुदा दा नाज़, एक बंदे पटकार मारिया, अभी दूसरा पटकार उन्हें कढ़िया ही सी, मौला अली जख्मी हालत में हैं, उंगली का इशारा करके कहते हैं ना मारी, इन्हें मेरा नुकसान कीता, तेरा ते नहीं कीता, आए हाय हाय हाय, इन्हें तेरा कुछ तेरा नहीं गवाया, मेरा कुछ गवाया, ना मारी, इन्हों मेरी बैठक दे अंदर बंद कर लियो। ते सहाबा किराम ने गुलामा ने बैठक दे अंदर इब्ने मुलजिम नु बंद कीता, ते इमाम मौला अली ने जड़ा जुमला बोलिया, पता नहीं तेरे जमीर दे दरवाजे ते दस्तक देन ते मैं कामयाब होवांगा या नहीं। जदों वो बैठक दे अंदर बंद होया ते मौला अली पाक ने अपने बेटे नु फरमाया, हसन जी बाबा जान, फरमाया मेरी फिक्र ना करो, नमाज दी फिक्र करो। हसन पाक मुसल्ले ते आए, नमाज पढ़ाई, ते बंदे मौला अली नूं उठाण वास्ते बड़े, आपने फरमाया कोई मेरे करीब ना आवे, मेरे 18 बेटे ने अज वो मैनू उठा लैणगे। पैरां वाले पासे उम्मुल बनीन दे बेटे, सज्जे पासे हसन बिन अली, खब्बे पासे हुसैन बिन अली, सिर वाले पासे अब्बास बिन अली। इमाम अली पाक नूं
उन्होंने उठाया ते उठा के जदों घर वल चले ते छोटी जी बच्ची है मौला अली पाक दी जिदा ना सैयदा ज़ैनब है। बच्ची दियां नजरां पईयां, चीकां निकल गईयां ज़ैनब दियां, रो के कहंदी है बाबा गर्दन भी जख्मी है पेट भी जख्मी है, मैं ते तेनू मदीने मिलना ही सा ईद ए मैं के पई वेखनी आ बाबा लो कहते परदेसी विच परदेसा जाके किस्मत में किस्मत ने परदेसी कीता बाबा तेरे घर विच मैनू आके। मौला अली ने फरमाया बेटी सबर कर इन अल्लाह मासा बेरी। उन्नीसवीं दी रात गुजर गई, बीसवीं दी रात आ गई, इक्कीसवीं दी रात आ गई, अद्धा पैर अगे वे अद्धा पैर पिछे वे। इमामे हसन आए मौला अली पाक कोल ते वेख्या अखां चों आंसुआं दा सैलाब बरसात दे मींह दी तरह छम छम पिया गिरदा है, ते जाके अपने छोटे वीर हुसैन नूं कन्न विच कहंदे ने हुसैन मेरे वीरा बाबा प्या रोंदा है, जाके पुछो के गल ने। हुसैन मौला अली कोल आए, आके कहंदे ने बाबा क्यों पे रोंदे हो, असां तुहानू खंदक दे मैदान विच रोनिया नहीं वेख्या, बदर विच रोनिया नहीं वेख्या, ओहद दे मैदान विच रोनिया नहीं वेख्या, तबूक विच रोनिया नहीं वेख्या, बाबा तुहानू या दुआ करने रोनिया वेख्या है या नमाज विच रोनिया वेख्या है। बाबा साढ़े कोल कोई गलती ते नहीं हो गई ना, तुसा आवाज लाई होवे असा आवाज दा जवाब ना दिता होवे, असी माफी मंगने आ। ओए बाप रो पवे ना, बच्चे बेकरार हो जाने, ये ईमान दी निशानी है, ये जमीर दी निशानी है। आपने फरमाया मेरे हुसैन रोना बेख्तियारी है, एवं ही रोना आ गया है। हुसैन कहंदे ने बाबा मैं यही ते पुछना चाहना क्यों रोए हो। मौला अली कहंदे ने मेरे बच्चो राती मैं सुता होया सा, मेरी किस्मत जाग गई ते तुहाडे नाना मैनू ख्वाब दे अंदर मिले, मैं वेख्या सरकार मैदान दे अंदर चल रहे ने ते किसे नू ढूंढ रहे ने, ते मैं कंधे ते हथ रख के आख्या मेरे आका किनू पै तलाश कर लियो, ते आपने मुड़ के मैनू वेख्या सीने नाल लाया चुम के आख्या अली मैं किसे होर नू नहीं मैं तेनू तलाश कर रहा। मेरे बच्चियो परदेसां दे अंदर तुहाडे यतीम होण दा टाइम आ गया। हसन किथे में जी बाबा मैं हाजिर हाँ। फरमाया जा जा शरबत बनवा के लाया। हसन ज़ैनब को लाए बाबे शरबत मंगया है, ताबेदार बच्ची ने कटोरा उठाया ठंडा पानी पाया माखू पाया दरमियान दे अंदर मिठा पाया, ठंडा ते मिठा शरबत हाथ दे अंदर उठाया ते बिस्मिल्ला पढ़ के कटोरा हसन दे हवाले कीता। खुदा दी कसम है अगला जुमला मैं अखां बंद करके पढ़ना चाहना वा, अल्लाह करे मेरा ये जुमला कबूल हो जाए। ओए आम तकरीर सौखी जे दिल नाल नौकरी करनी औखी जे, मैं जुबान हलक तू उत्ते उत्ते कदे तुहानू तकरीर नहीं सुनाई, मैं दिल दियां गहराइयां चो तुहानू खिताब सुनाना वा। हुण सारे वीर वेखो बच्चे वेखो बजुर्ग वेखो, मैं अखां बंद करके नौकरी पेश करना चाहना वा, अल्लाह मेरी नौकरी कबूल फरमाए। हसन कटोरा लैके शरबत दाए मौला अली दे हवाले कीता, बाबा मैं ले आया पुत्र के ले आया है। फरमाया तुसा जो आख्या सी मैं ओ ले आया शरबत ले आया। मौला अली ने फरमाया शरबत मैं नहीं पीना मेरे कातिल को पिला दे। शरबत मैं नहीं पीना ओ मेरा कातिल बैठक दे अंदर डकिया होया है उनू पिला दो। ओए गल्लां गल्लां ते अपने भाइयां नाल नाराज़ होण वाले हो, छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने भैणां नाल नाराज़ होण वाले हो, अपने मामियां नाल अपने चाचियां नाल
मरने जीने मुकान वाले हो। आओ तुहानू मैं दसा अली पाक दी किरदार सीरत क्या है। आ सुन मुझसे बोला अली पाक की सीरत। फरमाया मेरे कातिल को शरबत पिला दे, शरबत पिला दे। हसन कहता है बाबा वो कातिल है आपका, मैं कैसे लेके जाऊं। आपने फरमाया वो उसका किरदार है, ये मेरा किरदार है। दिमाग उल्टा फिरन लग गया है। तू फार्चूनर के लै रही है, तू अपनी गरीब बहन दे बूए ते भी नहीं जाना है, गरीब भाई दे बूए ते भी नहीं जाना है, मामा गरीब होवे नहीं जाना है, चाचा गरीब होवे नहीं जाना है। अज लोग रिश्तेदारियां ही उन्हां दियां ही समझदे ने जिहड़े पैसियां वाले ने, गरीबां दे नेड़े कोई नहीं जांदा। मियां साहब कहंदे ने रोगां विच्चों ए रोग अनोखा, ए जिसदा नां है गरीबी, औखे वेले ए छड़ जांदे ने, ए रिश्तादार करीबी। ओए पैसियां पिछे सलाम लैन वाले आओ, पैसियां पिछे लोकां नाल तल्लक रखण वाले आओ, ए पैसे पैसे आण जाण दी चीज़ आओ। अज ओ गरीब है तू अमीर है, इस विच तेरा कमाल नहीं, मेरे रब दा कमाल है। ए जिवें उंगलियां पंजे इको जिहियां नहीं, इवें यार मुकद्दर भी इको जिहा नहीं। गुरबत जुर्म ते नहीं ना, मैनू दस ना गुरबत जुर्म है कि तू गरीब कोल नहीं जाना है, किधरे 500,000 मेरे कोल मंग लै लवे। अल्लाह ने तेनू पैसे दे के आजमाया है, उन्हों पैसे लै के आजमाया है। रख मेरे सिर ते कुरान, न वजीर कामयाबे, न मुशीर कामयाबे, न अमीर कामयाबे, कामयाबे ते मुहम्मद दे दर्द फकीर कामयाब। एक बार प्यार से बोले सुभान अली पाक दी बहन, मेरे नबी दी हमशीरा, चाचे दी बहन उम्मे हानी, कलमा पढ़िया खामद नाराज होके चला गया। 8 बच्चे रह गए, 8 साल अपने बच्चियां च गुजारिया, गुरबत दे अंदर गुजारिया, कसमपुरसी दे अंदर गुजारिया। 8 सालां बाद मेरे नबी मक्के दे अंदर आए, फाते बन के आए, ते बच्चियां ने गली दे अंदर मेरे नबी नूं वेख्या, ते दौड़दे दौड़दे आए। मां नूं कहंदे ने जिस मुहम्मद का नाम हमें सुनाती हो, हमने उसे ऊँटनी पे बैठ के मक्के के चक्कर लगाते देखा है। माँ कहती है बच्चों ओ कौन है। बच्चियां ने सारा हुलिया मेरे नबी दा बयान फरमाया। इवें यार दा मत्था है, इवें यार दे रुखसार ने, इवें यार दियां पलकां ने, इवें यार दियां जुल्फां ने, इवें यार दा सीना है, इवें यार दी टोर है। असां उन्हूं छड़ी लै के काबे दे अंदर वेख्या है, ओ बुतां नूं पिया गिरांदा है, नाले पिया कहंदा है जा अल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। कुरान दी आयत सुनी, कलेजा फटन ते आ गया। एक बच्चा दौड़दा दौड़दा नेड़े आया, अपने हत्थां दे अंदर मां दा मुखड़ा रख के कहंदा है अम्मा तू आपे ही आखनी से, इसे वेड़े दे अंदर आके रोटी खांदा सी, तेरा वीर इसे वेड़े दे अंदर आके दिने सौंदा सी, अज तेरे वीर नूं बड़ियां इज्जतां मिलियां ने, अज भी तेरे वेड़े आएगा या नहीं आएगा। मेहानी कहंदे ने बच्चे ने गल के कीती, मेरा कलेजा उन्हें चीर के रख छोड़िया, मैं मुँह परां कर लिया, ते बच्चे नूं बहलाण दी खातिर मैं क्या जी जी आज भी आएगा। लेकिन मेरा दिल पिया कहंदा सी मुस्तफा उस वक्त आंदे सन जदू एथे रहंदे सन, अज अल्लाह ने अमीरी अता फरमाई है, अल्लाह ने इज्जत अता फरमाईयां, अज मेरा मुहम्मद मेरे घर नहीं आएगा। आप कहंदियां ने मैं पई रोंदी सां, अचानक दरवाजा खड़किया ते मैं पुछया कौन आया बूए दे, ते दरवाजे तू मिठी मिठी आवाज आई, तेरा वीर मुहम्मद आया है। दरवाजा खोलन वस्ती दौड़ी, बच्चियां ने मारियां छालां,
दरवाजा खोलिया ते रौला पा छोड़िया, बच्चिया ने मुहम्मद आ गए ने, मुहम्मद आ गए ने, मुहम्मद आ गए ने। मेरा कच्चा जिहा मकान है, टुटे टुटे बर्तन ने, खाण पीण दी मेरे घर दे अंदर चीज़ कोई नहीं। सरकार मेरे घर आए, और जिन्हें एहसान शनासी सीखनी है मुहम्मद मुस्तफ़ा से सीखे, जिन्हें शुक्र सीखना है नबी से सीखे, जिन्हें सिला रहमी सीखनी है मेरे मुस्तफ़ा से सीखे। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, अज तू के जानदा है, कदे तेनू मौका मिले ते अपने भांजियां नू रस्ते ते रोक के पुछी, तुहाड़ियां भैणां तुहाड़ियां मावां किदे वस्ती दुआवां करदियां ने। तेरे भांजे तेनू कहणगे, मेरी मां मुसल्ले ते बह के और रो के कहनी है, ऐ अल्लाह मेरे वीर दे भाग लगे रखी, मेरे वीर दी पगड़ी दा शमला उच्चा रखी। तेरी बहन ते तेरे वस्ती लख लख वारी दुआवां मंगदी है। तेरे कोल मैं पूछना चाहना, तू अज कितनियां बहन वस्ती दुआवां मंगना है? भाई भैणा नाल नाराज ने, भाई भाइयां नाल नाराज ने, भांजे मामिया नाल नाराज ने, मामे भांजिया नाल नाराज ने, चाचे भतीजिया नाल, भतीजे चाचिया नाल। अज लोग सलाम लैके राजी नहीं, वास्ता पिया देंदा जे जुमातुल विदा दा मौका जे। अज मेरे नाल वादा करके जाओ, ईद तू दो चार दिन रह गए जे, ईद तू पहले पहले रूठे भाई नू राजी करेगा, रूठी बहन नू राजी करेगा, रूठे मामे नू राजी करेगा, रूठे चाचे नू राजी करेगा। आण कुरान ते मेरे सिर ते रख, तू रूठा भाई राजी करेगा, तेरे ते रूठा रब राजी हो जाए। ये दौलत आनी जानी चीज है, आज तेरे पास है कल किसी और के पास होगी। ना नाराज करे लोगों के दिल, ना दुखाएं, ना दुखाएं दिल। ग्रहमी कदर अहबाब हुजूर अंदर आए, उम्मे हानी कहने, मैं खुशी नाल फूला समा, मैं फूला ना समाई खुशी नाल, हुजूर मैनू वेखन, मैं हुजूर नू वेखा। थोड़ी देर बाद हुजूर ने मेरियां कच्चियां दीवारां नहीं वेखियां, छत नहीं वेखे, हुजूर कच्चे फर्श पे बैठ गए और अपने पेट पे हाथ मार के फरमाया, आज पराऊ की रोटी ना खिलानी। उम्मे हानी कहदियां ने, मैं उठी रोनिया रोनिया और आसमान वल वेख्या, क्या माला मेरा माण रखी, अज मेरे वीर ने मेरे कोलों रोटी मंगी है। मेरे घर ते खजूर दा दाणा भी कोई नहीं, मेरे घर ते रोटी कोई नहीं, मैं अपने वीर नू केड़े पासों रोटी खिला के देवांगी। हजरत उम्मे हानी कहदियां ने, मैं अंदर चली गई, जाके मैं दीवार नाल लिपट के खड़ी हो गई, मैं रोना शुरू कर दिता। सरकार सेन दे अंदर बैठे ने, बार बार मेरे बच्चियां नू कहदे ने कि तुहाड़ी माँ कित्थे गई है। मेरे बच्चे कहंदे ने, अम्मा रोटी बना गई है, रोटी ते मैं ता बना मार, मेरे घर दे अंदर कोई चीज हो यार। 8 साल हो गए ने, मेरा खामद चला गया है, गुरबत दा जमाना है, सुबह दा आंदा शाम दा नहीं आंदा। मेरे नबी बार बार मुड़ मुड़ के कमरे वल वेखन, आपने फरमाया, उम्मे हानी किथे रह गई है, रोटी लै आओ। ते जदू मेरे नबी ने वेख्या, मेरे आंसुआ ते नजर पई, ते वीर ने अपनी भैन की गुरबत नू पहचान लिया, ते आवाज ला के कहंदे ने, ये जरूरी नहीं ताजा लैके आ, जड़ा कुछ पकया वे ओ ही खिला दे। आज तो भाई बहन के घर जाता है, मुख्तलिफ रंगों के बर्तन देखता है, उसके माथे पे बल आ जाता है। हाँ हाँ पैसे के आ गए ने, अपने बच्चियां नू कहंदा है, भैन नू कहंदा है, असी चाह पी के आया, असी रोटी खा के आया, भैने चाह ना बनावी, रोटी ना बनावी। अपने बच्चियां नू कहंदा है, तको ना फुफी दे घर, कितने जरासीम ने, मक्खियां पईयां भिन भिन आंदियां ने, कुछ नहीं खाना, घर जा के खावांगे। अज तेरी तू बहन दी गुरबत दा मजाक उड़ाना है, उस वक्त जदों तू ये गल्लां कर रहा हुंदा है, तेरी बहन दे कलेजे ते छुरियां चलणियां आउंदियां। मेरे आका ने फरमाया, जड़ी चीज है लै आ, मैं गई ओए दिल ते हाथ रख के जुमला सुनियो, फतेह मक्का दा वाकया सुना रहा। ए मक्का फतेह भी रमजान दी 10 तारीख नो आया। उम्मे हानी कहनियां, मैं गई एक छोटा जिहा खुश्क टुकड़ा जौ दी रोटी दा, 5 दिन पहले मेरे बच्चियां ने बचाया, मैं उनू लैके आई,
दो बर्तन मैं लाए, एक दिन अंदर मैं थोड़ा जहा सिरका पाया, दूए दिन अंदर मैं पानी पाया, मैं आके हुजूर दे सामने रखिया। सरकार ने बिस्मिल्ला पढ़ी ते लुकमा तोड़ के सिरके दे अंदर डोमिया ते जू ही मुँह दे अंदर रखिया। मेहानी कहनियां मेरिया चीखा निकल गई, मैं आख्या लुकमा खुश के नबीए पाक दा हलक तरे नरमो गुदाज हलक चू ए खुश्क लुकमा किवें गुजरेगा। नबीए पाक ने सारा टुकड़ा खत्म कीता ते मेरा शुक्रिया अदा फरमाया और आपने चार दुआवां फरमाईया। पहली दुआ आसमान वल वेख के आख्या मौला तेरा शुक्र है तू मैनू खाना अदा फरमाया है, तेरा शुक्र है तू मैनू पानी अदा फरमाया है, तेरा शुक्र है कि तू जड़ी दिती है खाना पीना इदू जड़ी तवानाई अता फरमाई उदे ते भी तेरा शुक्रिया। और मौला इस गल ते भी तेरा शुक्रिया कि तू फाजिल मादियां नूं जिस्म तू बाहर फरमाया है और आप दुआवां देंदे देंदे मेरे घरों चले गए। जिसने एहसान शनासी सीखनी होवे वह किसी होर कोल ना सीखे मुस्तफा कोलों सीख लवे। आज तू बहन का मजाक उड़ाता है, तेरी बहन के कलेजे पे छुरियां चल जाती हैं, तेरे गरीब भाई के कलेजे पे छुरियां चल जाती हैं। आपने फरमाया आ तुझे अली की सीरत बताऊं, फरमाया जा मेरे कातिल को जाके शरबत पिला दे। बाबा जी मैं जावा, हसन पूछते हैं बाबा जी मैं जाऊं, आपने फरमाया नहीं तुम नहीं जाना। अब्बास किथे वे, अब्बास किथे वे, तू जाना है अब्बास, अब्बास तू जाना है, तू जाना है। तलवार तेनू चलानी सिखाइए, जंग करनी तेनू सिखाइए, आ जरा पानी पिला के आ तेनू वफा करनी भी सिखा दे। अब्बास ने कटोरा लिया होया पानी दा, इब्ने मुलजिम दे कोल आए पानी पी लै, मेरे बाबे ने दिता है। वो किसे टाइम अब्बास वल वेखे, किसे टाइम पानी वल वेखे, पानी दे अंदर चूंके मिठा भी सी शरबत भी सी उदा रंग बदले होया सी, वेख के कहंदा मैं कोई नहीं पीना। आपने फरमाया क्यों नहीं आ पीना, आदा है जड़ा विच रंग है ना ये जहर है, जहर आपने जहर मिलाया है, मैं तेरे बाबे का कातिल हूँ, तू जहर दे के मुझे मारना चाहता है। हजरत अब्बास दियाँ चीखा निकल गई और रो के आख्या ओए जालमा कैसी गल कर रहे हैं, ये मेरी हुसैन बनाया है जिसकी तहज्जुद की नमाज भी कभी कदा नहीं हुई। उत्थू कटोरा लिया मौला अली को लेके आए, नहीं पींदा जालिम। आपने फरमाया क्यों नहीं पींदा, कहंदा है तुसा शरबत के अंदर जहर मिलाया है। हजरत मौला अली ने जड़ा जुमला बोलिया तेरे कलेजे ठार देवेगा। आपने फरमाया कैडा बदनसीब पानी नहीं पिया पींदा, अज अगर पानी पी लवे यार ना ते मैं वादा करना सा कयामत वाले दिन हुसैन दे नाने दे हाथों कौसर दे जाम नसीब कर दे। يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الله اكبر مولا باس پانی واپس لے کے جان لگے। अली पाक ने फरमाया अब्बास किथे जा रहे हैं, बाबा ओ नहीं पींदा मैं वापस मोड़न जा रहा। फरमाया नहीं नहीं इधर ले आ कटोरा मेरे लबा ते रख, बाबा किवें पीवोगे, एक सुराख गर्दन दे अंदर एक सुराख पेट दे अंदर, असी तीन दिन तू जड़ी चीज़ पे खिलाने पिलाने आ पेट दे रस्ते तू बाहर आ जानी है। आपने रो के फरमाया अपना जख्म वेखा या बच्ची दा गम वेखा, मेरी बच्ची ने शरबत बनाया है अगर मैं वापिस भेजिया उदा दिल टूट जाएगा, बाबे शरबत नहीं पीता। ले आ शरबत, अब्बास शरबत लेके आए मेरे अली पाक दे लबां ते रखिया। अली पाक ने पीता शरबत, कुछ गर्दन दे रस्ते तू बाहर आया कुछ पेट दे रस्ते तू बाहर आया। मौला अली पाक बिस्तर तू थले आए अपने बच्चियां नू बुलाया ते बुला के फरमाया मेरे बच्चियो मेरे करीब आ जाओ, लगता है मेरा आखिरी वेला आ गया है, मैं तुहाडे नाल दो चार गल्लां करनियां ने। 18 बेटे मौला अली दे, 18 बेटियां मौला अली दियां, मैं मौला अली दे एक बेटे दा नाम सुनाण लगा, अगर मजा आवे ते बोलना है। मैं समझदा वां मेरे सामने कोई भी बंदा दूसरे मसलक दा नहीं है,
ओही बंदा बैठा है जड़ा अली नाल प्यार करन वाला, अबू बकर नाल प्यार करन वाला। मौला अली के एक बेटे का नाम है उमर बिन अली, एक बेटे का नाम है उस्मान बिन अली, एक बेटे का नाम है जैद बिन अली, एक बेटे का नाम है हसन बिन अली, एक का नाम है अब्बास बिन अली, एक का नाम है हुसैन बिन अली। दुश्मनों के नामों पे कोई बंदा अपने बेटों के नाम नहीं रखता। अगर मौला अली उमर और उस्मान को अपना दुश्मन समझते होते तो अपने बेटों का नाम उमर और उस्मान के नाम पे न रखते। नहजुल बलागा लाना तेरा काम है, अली के बेटों के नाम बताना नहजुल बलागा से मेरा काम है। अगर मैं उमर बिन अली उस्मान बिन अली के नाम नहजुल बलागा से दिखा दूं फिर तुझे कहूंगा अकीदा मेरे अली के मानने वालों का सच्चा है और दाता अली के चाहने वालों का सच्चा है। अली उमर को दोस्त मानते थे, उस्मान को दोस्त मानते थे। अली ने एक बेटे का नाम उमर रखा, एक का नाम उस्मान रखा और दुनिया को पैगाम दिया कि मेरे जाने के बाद कहीं भौंकते न रहना, बकवास न करते रहना। उमर मेरा भी दोस्त है, अबू बकर का भी दोस्त है, उस्मान मेरा भी दोस्त है, अबू बकर का भी दोस्त है। उस्मान और मेरी लड़ाई ना करवाना, दुनिया में भी उमर मेरा यार है, आखिरत में भी उमर मेरा यार है। उमर मेरा यार है, उस्मान मेरा यार है, ये नाम है मौला अली के बेटों के। पैरा वाले पासे उम्मुल बनीन दे बच्चे, सज्जे पासे हसन बिन अली, खब्बे पासे हुसैन बिन अली, सिर वाले पासे अब्बास बिन अली। आपने फरमाया बच्चे हो आ गए हो, जी बाबा आ गया, मेरियां बच्चियां भी आ गईं, जी बाबा असी भी आ गईं। फरमाया आखिरी टाइम आ गया, बड़ी शान नाल जिंदगी गुजारी है, ईमान नाल जिंदगी गुजारी है। अपने नबी दी मोहब्बत दे अंदर मैं जिंदगी गुजारी है। मेरे बच्चे हो आखिरी वक्त आ गया, मेरी होर ते कोई हसरत नहीं, त्रै मेरिया हसरतां कौन कौन पूरियां करेगा, मेरिया त्रै हसरतां कौन कौन पूरियां करेगा। सारे बच्चे बयक जुबान हदन, बाबा तुहाड़ी केड़ियां केड़ियां हसरतां। आपने फरमाया मेरी पहली हसरत एवे कि मेरी पग दा वारिस कौन बनेगा। सारे बच्चियां ने बयक जुबान कहा अली बाबा तुहाड़ी पग दा वारिस भी हसन है, तुहाड़े मुसल्ले दा वारिस भी हसन है, तुहाड़े मिंबर दा वारिस भी हसन है। आपने फरमाया हसन हसन जी बाबा अपना सर झुका, मैं चाहता हूं मैं तेरे सर पे अपने हाथ से दस्तार सजाऊं। इमाम हसन ने सर झुकाया, मौला अली ने दस्तार सजाई। वो मंजर कैसा होगा जब मौला अली अपने बेटे के सर पे दस्तार सजा रहे होंगे। दस्तार सजांदे जावन नाले पढ़दे जावन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चिया दस्तार सजा ले, एकूफा एकूफा बेवफावां दा शहर है, कोई दस्तार तेनू उतारण दी गल ना करे। मैं अपने हत्था नाल दस्तार सजा के जा रहा हूं। मौला अली ने इमाम हसन दे सर ते दस्तार सजाई। आपने फरमाया एक ते मेरी ख्वाहिश हसन ने पूरी कीती है, मेरी दूसरी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा। बाबा तुहाड़ी दूसरी ख्वाहिश के वे, आपने फरमाया तुसी सारे वेख रहे सो 19वीं शब रमजान मैं एक सजदा कीता, दुआ सजदा मेरा नहीं होया, इब्ने मुलजम ने मैनू वार करके जख्मी कीता, मेरा दूसरा सजदा रह गया, मैं दूसरा सजदा मुकम्मल नहीं कर सकिया वा, मेरा केड़ा बच्चा सजदा मेरा मुकम्मल करेगा। ओए मेरे कोठा कलां दे भाइयो, ओ मेरे गयूर भाइयो, मैं तुहानू किवें सुनावां,
उस वक्त जदों इमामाला अली ने सजदे की गल फरमाई उस वक्त होर कोई बच्चा नेड़े ना आया, हुसैन अली पाक दे सीने ते हाथ रख के कहंदे बाबा तुहाडा सजदा मैं करांगा, मेरे आ बच्चिया किथे करेंगा। फरमाया बाबा तुसा मस्जिद दे अंदर कीता है, मैं करबला दे मैदान विच करांगा। तुसा बेटियां दे अंदर कीता है, मेरे ते बेटे चले जाएंगे, मेरा अकबर चला जाएगा, असगर चला जाएगा, ओनो मोहम्मद चले जाएंगे, मेरा अब्बास चला जाएगा। तुसा बेटियां नाल कीता है ते मैं बेटियां नूं शहीद करा के करांगा। बाबा तुसा ठंडे टैम कीता है ते मैं दोपहर दे टैम करांगा। बाबा तुसा पानी पी के कीता है ते मैं त्रै दिनां दा प्यासा त्रै दिनां दा भुखा सजदा करके दुनिया नूं वेखावांगा। ओ मेरे पीर हुसैन दी शान वेखो, ऐसा पाया ते किसे ही पाया ही नहीं। हर कोई मिंबरां उत्ते कुरान पढ़दा पर नेजे ते चढ़ के किसे सुनाया ही नहीं। होए लखां शहीद जहान अंदर पर सजदे विच किसे शीस कोहाया ही नहीं। राजी अपने यार नूं करन बदले हत्थां उत्ते किसे वा लुकोहाया ही नहीं। पंजाबी वाला कहंदा कुरान दे कारी असां सैठ पर नमाज दा कारी न को ई, नमाज दा कारी इक मीर जनब दा जिदी हेठ खंजर ते हो ई। हर हर पासों ए पुर जुस्सा ए तीरा नाल परो ता पर कर तयम्मुम घोड़ों ते ए नीत निमाज खलो ता। तालू ते हो बेहोश गया सी, अल्लाहो अकबर एक कह के ओ थे ए सजदे विच व्यासी। एक कम हसन करेगा दुआ कम बाबा मैं करांगा। मौला अली कहंदे ने मेरी तीसरी भी ख्वाहिश है, बाबा तुहाडी तीसरी ख्वाहिश के वे आयो। आपने फरमाया तीसरी मेरी ख्वाहिश ए वे दमिश्क दी मस्जिद दे अंदर खुतबा पिया देना सा। खुतबे दे दौरान बागी खड़े हो गए, उन्हें शोर मचाया, उन्हें रौला पाया, मैनू खुतबा रोकना पै गया। मेरा तीसरी ख्वाहिश है वे मेरा खुतबा कौन देवेगा, मेरा रिया वे खुतबा कौन पढ़ेगा। उस वक्त मेरे मुसलमान भाइयो कोई और नेड़े ना आयो, उस वक्त कोई होर करीब ना आया। जैनब चलदी चलदी अपने बाबे दे नेड़े आई ते सीने ते हाथ रख के कहंदी है बाबा तेरी पग हसन ने सजाई है, तेरा सजदा हुसैन ने कीता है ते तेरा खुतबा कोई होर नहीं देवेगा। मैं देंगी, मेरी बची है किथे देवेगी किथे देवेगी। जैनब रो के कहनी है बाबा तुसा मुसलमाना दे अंदर दिता है, मैं जालमा दे अंदर देवांगी। ओ फिर ओ वेला आया, दुनिया ने वेख्या जदों सैयदा जैनब 72 मस्तूरां नाल दमिश्क दे बाजार चो लंघदी लंघदी यजीद दे दरबार दे अंदर पहुंची ते यजीद दे दरबार दे अंदर अली दी बेटी खड़ी है
मजमा लगया होया है। सैयदा ज़ैनब दे लब खुले, जुबान हिली, ज़ैनुल आबिदीन भी नाल ने, सैयदा कहनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह نحمدو ونستعينو ونستغفرو ونؤمن بي ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله पूरे मजमे ते सन्नाटा तारीए चादर तत्हीर दीवार ज़ैनब खुतबा भी पढ़नी है। आप फरमादिया ने या अय्युह नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदां व मुबश्शिरां व नज़ीरां व दाईयन इलल्लाहि बिइज़्नी व सराजं मुनीरन मा कान मुहम्मदुन अवा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा। पूरे मजमे ते सन्नाटा तारीए हुजूर दा एक गुलाम जिदा नाम ज़ैद है वो यजीद दे दरबार दे अंदर बैठा है ते अखां तो नबीना है। उन्हें जूं ही खुतबा सुनिया ते उठ के खलो गया, दो चार बंदियां ते गिरिया ते फिर अगे टुरिया, फिर गिरिया ते फिर टुरिया। बंदियां ने बाजू नप के आके ओए नबीनिया किथे पिया जाना है, आधा रस्ता छोड़ दियो, अज अली आ गया है, अज अली आ गया है, मैं अली कोल जाना है। उन्हें आख्या वाकई तू अन्ना ही है, नबीना ही है, ये अली नहीं आए, अली दी बेटी ज़ैनबी। ते ओ नबीना आसमान वल चेहरा उठा के कहना है मौला बड़ी मेहरबानी, तू मैनू अखा नहीं दितियां, अगर अखा मैनू दे देना ना, अखा मैनू दे देना ना, ते अज मैं ये मंजर अपनी अखा नाल किवें मेकार। हसन पाक दा वारिस बनया, हुसैन सजदे दा जिम्मेदार बनया, ज़ैनब ने खुतबे की जिम्मेदारी उठाई, ते मौला अली पाक दुआवां देंदे देंदे दुनिया तो आए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैह राजिऊन। ओ शाला मरन ए ना बाप किसे दे, ते ना होण निमाणियां धियां, जिस धी दा ए बाप न होवे उस दुनिया तू की लैणा। टुर गए ने दिलदार दिलां दे ए वतनों चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती नजरिया आवे ए कंड दिची जदया रा। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैह राजिऊन। मौला अली पाक की शहादत ऐसी शहादतों में से है कि जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस्लाम इस्लाम शहीदों के खून से फला फूला है, कल भी इसे शहीदों के खून की ज़रूरत थी, आज भी इसे शहीदों के खून की ज़रूरत है। आज भी मौला अली की मौला अली के किरदार को ज़िंदा करते हुए मेरे कश्मीर के नौजवान, मेरे बर्मा के जवान, फलस्तीन के जवान, आज अफगानिस्तान के जवान, आज चेचनिया के जवान तागूत के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, और जिस वक़्त उनके तीर चलते हैं उनकी गोलियां बरसती हैं, खुदा की कसम मौला अली का तसव्वुर जब उनके दिमाग में आता है, उधर तसव्वुर अली आता है, उधर दीदार नबी हो जाता है।